नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को। तेजस्वी यादव ने NDA का लेखा जोखा एक नया नोटबुक जारी किया है। उस नोटबुक के सारे पन्ने जो हैं वो सादे हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि देख लीजिए, यही है 15 लाख, यही है बेरोजगारी का हाल, यही है रोजगार का हाल, यही है सारे वादों का हाल। इस वक्त हमारे साथ संजय मयूख जी हैं। सर, तेजस्वी यादव ने किताब जारी किया है NDA का लेखा जोखा, सारे पन्ने सादे हैं। निश्चित तौर पर उनके पन्ने सादे ही हैं, क्योंकि रिजल्ट भी सादा ही आना है, जीरो ही आना है। और बेरोजगार कौन है ये तो जनता बता रही है। बेरोजगार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। भारत की जनता खुश है, बिहार की जनता खुश है, और आज का जो परिणाम आ रहा है उससे छटपटा रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, क्योंकि सुन्नवटा सन्नाटा की स्थिति से गुजर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अच्छा, आज ही प्रथम चरण का मतदान है और आज ही ये NDA का नोटबुक जारी करना, लेखा जोखा जारी करना क्या दर्शा रहा है? कल तक सोए होंगे, आज जगे हैं। जब यथास्थिति पता चला है कि जमीन खिसक चुका है, क्योंकि केवल राजसी महल की राजनीति माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं। अच्छा, घोषणा पत्र का आपने नाम दिया था प्रतिबद्धता पत्र, उस पत्र में संकल्प पत्र आपने नहीं, उन्होंने प्रतिबद्धता पत्र, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो तारीख को शुरू कर देंगे बिहार में। मतलब कैसे सरकार आएगी? सरकार का कोई समीकरण भी तो होना चाहिए। सरकार मतलब कहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि आपका नेता कौन होगा, आपकी दिशा क्या होगी, आपका विजन क्या होगा। केवल और केवल बयानबाजी करने से सरकार नहीं बदलती और न सत्ता हटता है। अभी बिहार की जनता ने उनको बेदखल किया है, थोड़ा उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज सुबह में जितना मांझी ने यह आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है उसे घटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज ही छठ है और आज के दिन यदि वोटिंग रखी गई है तो कहीं ना कहीं से गरीब जो है प्रभावित हो रहे हैं। जनता के द्वारा ठुकराए हुए लोग इसी तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं। चलिए, जनता के द्वारा ठुकराए गए हैं वो लोग, और अनर्गल बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कहना है संजय मयूख जी का। आने वाले समय में राजनीति बदलेगी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और उस बढ़ते हुए वोट प्रतिशत के बारे में जनता का क्या मत होगा, 23 मई तक का इंतजार कीजिए। लाइव स्ट्रीम देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।